पीटी का पेपर आपका कैसा गया? होपफुली अच्छा गया होगा, सारा पढ़ाया हुआ ही आया था। एनीवेज कट ऑफ जो है मैंने डिस्कस कर ही दिया आपको, वो मेरे वीडियो में आप देख लो। अब कट ऑफ कुछ भी जाए, मेंस की तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब असली जो एक तरीके से वॉर जो है अब स्टार्ट होगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो ये पेपर जो आता है ना, मेंस तो बहुत सारे लिखते हैं, लेकिन मेंस को क्वालिफाई करना बहुत टफ चीज़ है। इवन आप यूपीएससी भी क्वालिफाई कर दोगे, लेकिन यूपीपीएससी का मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके रीजन है, उसको समझो और फिर उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। पहला पेपर जो आएगा आपका जनरल हिंदी का आएगा, ये 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर होगा ऐसे का, 150 मार्क्स का। इसमें तीन ऐसे लिखने पड़ते हैं आपको, ठीक है। जब आप तीन ऐसे लिखोगे तो 50-50 मार्क्स के ईच ऐसे होंगे। उसके बाद क्या है, GS1। GS1 में यही जो अभी आपने पीटी दिया है सेम उसी की तरह का होता है। GS2 में थोड़ा स्टैटिक्स आती है, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन, इनको थोड़ा और टफ तरीके से वो पूछते हैं। फिर उसके बाद एक दो ऑप्शन होंगे आपके, पेपर 1 200, पेपर 2 भी 200, ऐसी ऑप्शन आपके अलग अलग होंगे। अब देखो आपने प्री दे दिया, देखो इस बार यूपीपीएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया है, अब वो डीपली पूछ रहे हैं, तो मेंस और भी टफ होगा, ठीक है। और यही लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो पूरा सिलेबस इनका चेंज हो रहा है। फिर पेपर 1 2 3 4 वो करेंगे, ऑप्शनल होगा एक पूरा यूपीएससी पैटर्न का, ठीक है। उसकी तैयारी के लिए अलग से स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। पुराने जितने भी लोग हैं जो निकल सकते हैं वो इसी बार निकल जाओ, आगे और भी टफ होगा। क्योंकि आगे फिर ना दिल्ली का ही बच्चा निकलेगा करेगा, क्योंकि उनकी तैयारी भी उसी पैटर्न में होती है। जनरल हिंदी ये सबसे बड़ा टारगेट रहता है हमारा, वो इसलिए रहता है क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं, मतलब 60% मार्क, ठीक है, तो आपका मतलब जनरल हिंदी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन 90% आते नहीं, जनरली देखा गया है यहाँ पे 50% मार्क्स एवरेज आते हैं, ठीक है। दूसरा है ऐसे, ऐसे में क्या करते हैं, 20-20-20 नंबर पकड़ा देते हैं या 25-25-25 नंबर पकड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा अगेन 60 का, लेकिन एवरेज जो स्कोर है यहाँ पे यही 62-65 आता है बच्चों का, ठीक है। क्योंकि उनका अलग ही तरीका होता है अपने तरीके से ऐसे चेक करने का। GS1 यहाँ पे टारगेट जो रहना चाहिए, हाँ 80% रहना चाहिए तभी कॉल आएगी। वहाँ यहाँ पे 160 और ये 160 बहुत आसान है। ये जो दो पेपर ही अपने हाथ में रहते हैं, उसमें 160 प्लस भी लाते हैं, ये मेरी गारंटी है कि आप 160-160 लाओगे बहुत ईजी तरीके से। यहाँ ऑप्शन में आप अगर 120 मार्क्स लाते हो, दूसरा ऑप्शन 120 लाते हो, फिर 125 लाते हो, 125 मार्क्स लाते हो, तो मैं टोटल करूँ उसका तो ये टोटल होता है 1500 का, ये होता है 990 का। अगर आप इतने मार्क्स लाते हो तो ही देखो इंटरव्यू कॉल तो बहुत प्यार से आ जाएगी 990 में, ठीक है। लेकिन इतने मार्क्स के बाद ही आपको कोई रैंक लग सकती है। इससे अगर कम है तो जनरल कैटेगरी में तो कोई रैंक नहीं लगेगी, क्योंकि तो इसके बाद भी इंटरव्यू भी ऐड होगा, ठीक है। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो SDM की, डिप्टी कलेक्टर बोलो, 1170 थी 2015 की, ठीक है। तो आप देख लो अभी इसमें इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ने हैं तो जाके इतने होने हैं। तो अगर इससे ज़्यादा लाओगे तो बेटर, इससे कम लाओगे तो जनरल कैटेगरी का बच्चा तो अपने आप को बाहर समझे। और ये बहुत टफ है ये मार्क्स लाना, लेकिन इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको करनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ वो स्ट्रेटेजी क्या होगी।